ये पूरा पत्थर है वो केवल 2-3 इंच इतनी सी जगह है उस पर ये पूरा टिका हुआ है। हिंगलाज माता का मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले में सिवाना तहसील के पास है। और हम अभी ऊपर चढ़ने वाले हैं और यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वो 325 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर मंदिर है। और वहाँ पे एक पत्थर है जो इस गांव पे, यहाँ पे एक गांव बसता था, उस पर गिरने वाला था। उस पत्थर को रोकने के लिए माता वहाँ पे प्रकट हुई और पत्थर को रोक दिया था। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। हम अभी ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन चलिए चढ़ते हैं सीढ़ियों के ऊपर देखने के लिए कि पत्थर कैसे टिका हुआ है और कैसे पत्थर रुका था उस समय में। इस पहाड़ के एक तरफ तो ये पूरा पत्थरों से बना हुआ पहाड़ है, दूसरी तरफ मिट्टी के बने हुए दौरे हैं, तो दोनों का ही अच्छा नज़ारा है। जो सिवाना तहसील है उसमें लगभग सारी जगह ऐसी है, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में दोरे हैं, मिट्टी है और लोग हैं, छोटे छोटे गांव हैं। और ये एक मिट्टी का दौरा है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वाला, ये बहुत बड़ा है। पहले कंफ्यूज हो गया था मैं भी कि शायद पहाड़ हो सकता है, लेकिन ये मिट्टी का दौरा ही था। और दोस्तों ये देखिए, यही वो पत्थर है जो टिका हुआ है और जिसकी कहानी यहाँ पे प्रसिद्ध है। और इसकी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, ये पूरा पत्थर है वो केवल 2-3 इंच इतनी सी जगह है उस पर ये पूरा टिका हुआ है। और ये जब गिर रहा था तो यहीं पे अचानक रुक गया। तो पत्थर है वो 2-3 इंच के ऊपर टिका हुआ है और पत्थर ऊपर से ऑटोमेटिक गिरा हुआ रुक गया माता जी के जो भी मतलब पर्ची के हिसाब से। ऊपर जो ऑटोमेटिक पानी चल रहा है, लोग 300 फीट नीचे जमीन के अंदर पानी नहीं है, पानी के लिए तरस रहे और ऊपर ये 300 फीट ऊपर पानी चालू है। बहादुर सिंह जी राजपुरोहित ने हमें ये जानकारी दी है। किसी को अंदर जाने को मिलता नहीं। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा, कोई मना नहीं करे। अच्छा, वो इनका पानी निकलता है रस रस, हमेशा यहाँ से पानी निकलता ही रहता है, हमेशा, कभी इधर सूखता नहीं। और हम आ चुके हैं माता के मंदिर के अंदर। पत्थर निकला था। हाँ, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गुफा है जिससे वो पत्थर निकल के नीचे गिर गया था माता के अवतरित होने के बाद। यहाँ पे प्रकट हुए थे माता, तो माता जी प्रकट हुए थे, तब एक गुफा थी पूरी। अच्छा। यहाँ से वो पत्थर निकला गया था, यहाँ से निकला था, तो उस वो जगह पे जाके रुका था माता जी ने, वहाँ रोका था। अच्छा। और पानी इसके अंदर से निकलता रहता है, इसमें भी पानी है, जो माता जी है, जैसे की माता जी उनके नीचे जब पानी आता है फिर जाते हैं, वहाँ से पानी आता है ये जगह पे, ये पूरा भरा रहता है पानी से। जो सुबह कितना भी यूज करो, शाम को आरती करते हैं, सुबह वापस भर जाता है इसके अंदर नागदेव रहते हैं। अच्छा। अरस परस है, उनका दिन होता है तभी वो बाहर आते हैं। गुरु महाराज दामोदर गुरु महाराज जो 700 साल माँ हिंगलाज की पूजा की थी, तब इधर माँ हिंगलाज प्रकट हुए थे। ये शेर की खाल है, ये वजह से की गुफा है। गुरु महाराज के यहाँ बैठ के महादेव जी की पूजा किया करते थे, तो महादेव जी उनसे प्रकट हुए, तभी महादेव
हमने अभी माता के दर्शन किए और यहाँ पे जो पानी निकल रहा है वो देखा, कुंड देखा और भी मंदिर देखे, और यहाँ पे जो महाराज थे जिन्होंने तपस्या करके माता को यहाँ बुलाया था उनकी समाधि भी देखी। और दूसरी तरफ यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, पूरा पूरा व्यू यहाँ पे पीछे पहाड़ों का, और बहुत ही शानदार व्यू है। और अगर इसकी दूसरी तरफ देखें तो भी बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं आपको दिख जाएंगे। इस तरफ है ये महादेव जी का शिवलिंग एंड ये त्रिशूल, और दूसरी तरफ है ये बड़ा सा पहाड़, उसके ऊपर भी एक त्रिशूल है पूरे पहाड़ के ऊपर। यहाँ पे है हिंगलाज माता का मंदिर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। हम यहाँ से हिंगलाज माता जी से आगे जा रहे हैं जालोर की तरफ। मिलेंगे एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप हमारे वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कंटिन्यू हमारे वीडियोस देखते रहें। हम पूरे राजस्थान के अंदर घूम करके आपको पूरे राजस्थान के दर्शन करा रहे हैं, जो टूरिस्ट पैलेस है, जो मंदिर है, धार्मिक स्थल वगैरह वगैरह सबके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, साथ ही बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी हम नए वीडियो लाएंगे उनका अपडेट आपको जरूर मिलता रहेगा। और वीडियो जो अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक वगैरह के ऊपर शेयर करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं जालोर की तरफ। थैंक यू। तो हिंगलाज माता के मंदिर के नीचे जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं या बाइक जो भी है, वहाँ पे आपको ये दुकान मिल जाएगी। यहाँ से आप प्रसाद लेके मंदिर के ऊपर जाइए और माता को चढ़ाइए। इनका नाम है जगदीश जी। तो जगदीश जी आप क्या कहना चाहोगे? हमारे साथ है संदीप और जगदीश, ये हमें बताएंगे हिंगलाज माता की कहानी। जैसे कि आप सुन रहे हो कि हिंगलाज माता जब 750 साल पहले प्रकट हुए थे, यहाँ हमारे गुरु महाराज थे दामोदरपुरी महाराज। हम पहले इधर नीचे ही रहते थे, पहले इधर हमारा गांव था। हमारे गुरु महाराज पूजा करते थे महादेव जी की, भोलेनाथ की, और उनके प्रसन्न होने से माता जी इधर प्रकट हुए। फिलहाल हमारा गाँव इधर था, जो एक पत्थर अदर है उसकी वजह से अभी गांव हमारा इधर से 2 किलोमीटर दूर है। हमारे इधर पूजा आती है सबकी बारी बारी, और माता जी की हम इधर पूजा करते हैं। और माता जी का यहाँ परसा है, जैसे कि तरस परस इधर पानी भी आता है माता जी का, कुंड पूरा भरा रहता है। और माता जी की पूरी मूर्ति पहला स्थान पाकिस्तान में है। जो पाकिस्तान में मंदिर है उधर सिर्फ माता जी का सिर ही है, यहाँ पूरे प्रकट हुए हैं माता जी। और इधर ही स्थान है पूरा, यहाँ बहुत लोगों की भीड़ होती है, पूनम की बहुत बहुत भीड़ होती है इधर, नवरात्रि में बहुत भीड़ होती है, बहुत ही पब्लिक आती है इधर।